ओके टाइम हो गया डीकंप्रेशर सेटिंग का जो फ्लाईव्हील, ये इधर ग्राउंड करो, इधर ध्यान से सुनो, इधर एक पिन है ठीक है, ये जो कैमशाफ्ट अभी न्यूट्रल पे है ठीक है, जो दो लकीर है ना, ये दो लाइन इसको मैच करना है, उसके हिसाब से बिठाना है ठीक है, ये दो लाइन इसको मैच करना है, ये पिन इसके अंदर बैठना, ये जो दो थ्रेड हालांकि के बोल्ट फ्लैंज के थ्रू इसमें ऐसा बैठता है, ये लाइन और मैग्नेट पे जो लाइन रहता है वो मैच होना है, और इधर आपको उसके बाद टेंशनर बिठाते हैं ठीक है, ठीक है, मैच है, ये भी मैच है, अंदर जाता है ऐसे, तो ऐसा बिठाना है ओके, बाद ये जो इधर ऐसे बैठता है पकड़ लो, जो डीकंप्रेशर का सेटिंग, ये जो लाइन मैच होना है, जो टू साइड वाशर है इसको मैच करता है, क्रॉस बैठता है, ऐसे नहीं कि स्ट्राइट बोल्ट्स क्रॉस बैठते हैं, और ये जो लाइन इसको मैच होता है ठीक है, तो यही है सेटिंग, सेटिंग में आ गई, चैन बिल्कुल टाइट है अभी, बिल्कुल टाइट में है, फैक्ट्री मैनुअल के हिसाब से क्लियरेंस 0.6 तुम्हारा इंटेक का होता है, और 0.8 एग्जॉस्ट का होता है, दो भी थोड़ा वेरिएशन रहता है, थोड़ा सा उससे भी थोड़ा सा लूज़ रखना है ठीक है, मैं हाथ से ही फिलर गेज यूज़ करूँगा, हर गाड़ी को मैं अपने हिसाब से रखता हूँ, वो फील हो जाता है ठीक है, लेफ्ट एंड राइट प्ले रहना है, अपसाइड डाउन थोड़ा थोड़ा प्ले रहना है, सी लेफ्ट एंड राइट प्ले है, ऊपर से नीचे मुझे फील हो रहा है ठीक है, नीचे का भी
रोटेट मार के चेक कर लियो कि कितना प्ले, ये रोटेट करेंगे तो एग्जॉस्ट का दबता है, ने फ्री होता है, ठीक है। अभी इंटेक का दबता है तो इसको चेक करो। तो ये थोड़ा लूज है, तो फिर भी कोई बात नहीं।
good. The Motul Scooter Power LE5W40 ये हमारे ओनर ने लेके आए हैं, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी है। तो मैं इंजन ऑयल अभी तक डाल के नहीं हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, जो भी फिटिंग हो गया है ना, उसके मैं क्या करता हूँ, फ्यूल ठीक है, और इसके साथ ये थोड़ा सा हल्का सा ये ऑयल मिक्स कर लेता हूँ फ्यूल के साथ। ठीक है, क्यों, ये गाड़ी का काम होके रहता है, पूरा ड्राई रहता है, ठीक है। तो बिना इंजन ऑयल डाले हमारे को स्टार्ट करना बोले तो मुश्किल का काम होता है। क्यों, अगर कुछ भी फॉल्ट हो गया रहा तो दोबारा ड्राई करने की ज़रूरत नहीं रहती ऑयल, ऐसे ही ड्राई जो भी फॉल्ट रहता है एनालाइज कर सकते हैं। तो इसलिए ऊपर से पेट्रोल के साथ थोड़ा सा, सिर्फ फायर होने के लिए बस, ठीक है। तो पहले स्पार्क प्लग करंट आ रहा है, चेक करते हैं इग्निशन का, जो भी आ रहा है, इसका मतलब ये है कि गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। पूरी फिटिंग हो गई है, ठीक है, बस अगर इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है, ये इंजन के बारे में, कमेंट करो नीचे। मैं तो थक गया हूँ सुबह से शाम काम करते हुए, तो अगले वीडियो में देखता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।